नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आपके साथ खुशबू। पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यदि पितर नाराज हो जाएं, तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानियों और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है और खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही घर में अशांति भी फैलती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर पितृपक्ष का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बहुत जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये भी माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध ना किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी व नाराज हो जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बोल्ड स्काई के साथ।